मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में प्रदेश में सोनीपत बुरी तरह से पिछड़ गया था, लेकिन सोनीपत कृषि विभाग द्वारा फसल पंजीकरण का लगभग 98% काम पूरा कर लिया गया है। वहीं क्रॉप बुकिंग प्रक्रिया के तहत करीब 70% फसल वेरिफिकेशन करके प्रदेश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कृषि विभाग सोनीपत लगातार किसानों को जागरूक करके साथ साथ गांव-गांव में फसल पंजीकरण का 98% काम पूरा किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन किसानों ने अपनी फसलों का पंजीकरण किया है, उन किसानों की फसल वेरिफिकेशन का काम कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक खेत में पहुंचकर जांच की जाती है कि पोर्टल पर जो फसल उक्त खेत के नाम पर अपलोड हुई है वास्तव में खेत में वो फसल है या कोई दूसरी। इस प्रक्रिया के तहत सरकार के पास फसलों का पूरा डाटा पहुंचता है, जिसके माध्यम से सरकार कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करने का काम लगभग 98% किया जा चुका है। 25 अगस्त तक 100% फसल पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं फसल वेरिफिकेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक करीब 70% क्षेत्र की वेरिफिकेशन कर दी गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सर, जैसा आपको पता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी किसानों की जितनी भी ज़मीन है, चाहे उसमें कोई भी फसल है, उस फसल का इंदराज मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवाना है। इसी कड़ी में हमारे जिला सोनीपत में हमने, जब मैं आया था 11% का डाटा था, आज हम 98.20 पर पहुंच गए हैं और दोपहर तक हम सोनीपत जिले का 100% डाटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवा देंगे। अंतिम तारीख क्या निर्धारित की गई? अंतिम तारीख 25 अगस्त रखी गई है और हमारा आज ही कंप्लीट हो जाएगा। सर, इससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? इसमें पहले तो किसान भाइयों के दिमाग में ये भ्रांति थी कि हमने सरकार को या मंडी में फसल नहीं बेचनी, इसलिए किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कम करवाते थे, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने ये हिदायत दी है कि जितनी भी ज़मीन है हरियाणा में, वो सारी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि ये पता लग जाए कि कौन से किले में, कौन से एरिए में कौन सी फसल किसान ने उगा रखी है। इसमें मंडी में बेचने का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें सिर्फ किसान भाइयों के लिए सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। गौरतलब है कि सोनीपत जिले में करीब 4,30,000 एकड़ भूमि में कृषि गतिविधियां होती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कृषि विभाग ने लगभग 98% भूमि का पंजीकरण करवाने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। फसल वेरिफिकेशन के लिए कृषि विभाग द्वारा 100 टीमों का गठन किया गया है, जो कि गांव-गांव जाकर प्रत्येक खेत में उगी फसलों की वेरिफिकेशन कर रही है। अब तक करीब 3,00,000 एकड़ भूमि की वेरिफिकेशन की जा चुकी है। सत्य खबर के लिए सोनीपत से राम शिमर की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।